बिस्म वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम्सवर्ड काउंट डाउन बुक्स एंड एडिशन चैप्टर नंबर फाइव एक्सरसाइज फाइव क्वेश्चन नंबर एट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट हम अपनी ब्लैंक्स में को फिल करना है और अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करना है चले हम अपनी फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है टू क्योंकि पावर हमारे पास क्या है माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री की पावर हमारे पास क्या है माइनस वन इन टू एंड थ्री कि होल पावर हमारे पास यहाँ पर क्या मेंशन है टू एंड टू इनमें से कॉमन लिए गए मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री बाई एट इनकी पावर क्या है हमारे पास माइनस वन देखें पहले हम क्या करेंगे पहले हम इस स्टेप में हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हम पावर जो हमारे पास है हम पावर्स को माइनस वन को पहले टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे चले अपने रजिस्टर पर रह जाते हैं और कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर देखें हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे माइनस सॉरी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री यहाँ पर देखें इनकी पावर क्या है माइनस वन है ना तो हम क्या करेंगे माइनस वन को भी हम कॉमन ले लेंगे माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू कर लेंगे यहाँ पर देखें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस थ्री बाय एट इनकी पावर क्या है माइनस वन में हमने क्या करना है यहाँ पर देखें टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पावर हमारे पास क्या आ गई है माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखिए माइनस थ्री बाई एट पावर क्या है माइनस वन अभी देखिए दोनों की पावर हमारे पास क्या आ चुकी हैं नेगेटिव में दोनों की पावर क्या है नेगेटिव में मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री में आप लोगों को बता दिया था कि जब हमारे पास पावर्स नेगेटिव में होती हैं तो हम क्या करते हैं द पोजिशन ऑफ द नॉमिनेटर एंड डी विल चेंज तो हमारी नॉमिनेटर एंड डी की जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हमारी जो पावर नेगेटिव में वो क्या हो जाएगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर देखें चले हम पावर्स को चेंज कर लेते हैं और साथ में हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर देखें टू थ्री जर सिक्स पावर क्या आ गई माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री बाई एट पावर हमारे पास क्या है माइनस वन हम लोगों ने क्या करना है जो पोजीशन चेंज कर देंगे ना नॉमिनेटर एंड डीमिनेटर की तो ऑटोमेटिकली पावर हमारे पास जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं इस नीचे क्या है डिनोमिनेटर में वन है हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वन बाय सिक्स पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव टू हो जाएगी ठीक है हमारे पास अगर आप इस तरीके से होल पावर लिखें तब भी हमारी बात ठीक हो जाएगी अगर आप अलहदा ही पावर लिखना चाहते हैं टू करके तो तब भी आपकी क्या हो जाएगी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है एट जो डिनोमिनेटर में था वो नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो माइनस सी जो हमारा नॉमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड पावर जो हमारे पास माइनस सी वो क्या हो जाएगी प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है अब हमने क्या करना है यहाँ पर देखें सिक्स है तो सिक्स का स्क्वेयर है सिक्स के स्क्र से मोर आज सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स यहाँ पर देखें वन एंड यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी पावर वन है तो इट्स मीन सेम ही हमारे पास रहेंगे अब हमने क्या करना है अब हमने कटिंग करनी है यहाँ पर देखें हमारी कटिंग होगी एट के टेबल सॉरी फोर के टेबल फोर के टेबल में एट हमारे पास आता है टू के साथ एंड फोर के टेबल में थर्टी सिक्स हमारे पास आता है नाइन के साथ तो हमारे पास क्या बच्चों के अब हमारे पास बच्चों का है जो नंबर वो हमारे पास है टू वन मल्टीप्लाई बाई टू हमारे पास टू आ जाएगा एंड नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन हम लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी सेवन और ये हमारा क्या है आंसर है जो हमने अपनी ब्लैंक्स में राइट करना है माइनस टू बाय ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट ब्लैंक स्टार्ट कर नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा नंबर है फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री दोनों की पावर क्या है नेगेटिव में डिवाइड हो रहा है ट्वेल्व के साथ एंड ट्वेल्व के ऊपर खुद जो पावर है वो भी क्या है नेगेटिव में पहले हम क्या करेंगे नेगेटिव पावर नेगेटिव पावर को कॉमन ले लेंगे फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री एंड पावर जो नेगेटिव में हम इसको कॉमन ले लेंगे डिवाइड करेंगे ट्वेल्थ के साथ ट्वेल्थ के ऊपर अपनी पावर क्या है माइनस ठीक है तो यहां पर देखें फोर थ्री जै ट्वेल्व ट्वेल्थ के ऊपर क्या पावर है नेगेटिव में डिवाइड हो रहा है किसके साथ डिवाइड हो रहा है ट्वेल्व एंड ट्वेल्थ के ऊपर अपनी पावर क्या है नेगेटिव में जब भी हमारे पास डिवीजन का साइन आता है तो डिवीज़न का साइन का मतलब है कि पावर्स क्या हो रही हैं आपस में सेपरेक्ट हो रही है हम पावर को सेपरेक्ट कर लेंगे बेस हमारी सेम है तो हम पावर्स क्या करेंगे सेपरेट करेंगे माइनस वन माइनस करेंगे किस में से माइनस वन में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखें वन प्लस वन हो जाएगा सॉरी माइनस वन एंड प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व पावर उसकी क्या हो जाएगी जीरो इट्स मीन कि जब पावर जीरो होती है तो नंबर हमारा क्या हो जाता है वन एंड ये इसका क्या है आंसर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं यहां पर हम अपनी ब्लैंक में क्या राइट करेंगे वन नेक्स्ट हमारे पास है टू पावर फाइव डि डिडेड बाई टू पावर एट डिवाइडेड बाई टू माइनस सेवन अभी यहां पर देखें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ब्रैकेट में हमारे पास क्या है बेस सेम है तो पावर क्या होंगी डिवीजन की साइन की वजह से पावर हमारी सरप्रैक्ट होंगी फाइव माइनस एट करेंगे डिवाइडेड बाय टू माइनस सेवन ठीक है अभी यहाँ पर देखें पावर हमारी जब माइनस हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव में से माइनस एट करेंगे तो आ जाएगा माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस सेवन अभी क्या है डिवीजन के साइन है बेस सेम है तो हम क्या करेंगे बेस अपनी सेम ले लेंगे माइनस थ्री माइनस एंड माइनस सेवन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सेवन ठीक है तो यहां पर देखें तो हमारे पास आ जाएगा टू माइनस थ्री प्लस सेवन मीन के हमारे पास पावर क्या आ चुकी है प्लस फोर इट्स मीन के टू मल्टीप्लाई बाई टू अपने इट सेल्फ टाइम मल्टीप्लाई होगा टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू तो हमारे पास आ जाएगा टू 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 जर फोर फोर टू जार एट एट टू जर सिक्सटीन इट्स मीन कि हमारी ब्लैंक में हमारा आंसर क्या आ चुका है सिक्सटीन इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर नाइन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हमारे पास ये रेशनल नंबर्स गिवन है हमने इनके रेसिप्रोकल को फाइंड करना है फर्स्ट हमारे पास है वन बाई टू पावर उसकी क्या है माइनस टू डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री इसकी पावर हमारे पास क्या है माइनस थ्री चलिए हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं क्वेश्चन हम राइट कर चुके हैं जैसे अगर हम क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारे रेशनल नंबर अगर हम इनकी पावर को फोकस करें तो हमारे पास दोनों की पावर क्या नेगेटिव में है जब हमारे पास पावर नेगेटिव में होती है तो हम क्या करते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो पोजीशन होती है वो चेंज कर देते हैं जब पोजिशन चेंज हो जाती है तो हमारी जो पावर होती है नेगेटिव में नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपनी पावर को पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की पोजिशन को कन्वर्ट कर लेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी अब हमने हमारा अगला स्टेप अब क्या होगा कि हमारे पास स्क्वेयर है हमने स्क्वेयर्स को ओपन कर लेना हमारे जो पावर्स है हमने इनको ओपन कर लेनी है इट्स मीन नीचे वन है तो वन लिखें या ना लिखें कुछ फर्क हमें नहीं पड़ता डिवीजन का साइन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है इसकी पावर थ्री थी, थी इसलिए हमने नंबर्स को थ्री टाइम एंड पावर टू थी तो पावर नंबर्स को टू टाइम राइट किए टू टू जर फोर डिवीजन का साइन है थ्री थ्री जेर नाइन नाइन थ्री जेर ट्वेंटी सेवन टू टू जर फोर फोर टू जेर एट अभी देखें हमारे पास क्या आ चुका है फॉर डिवीजन सॉरी अभी हमारे पास आ चुके हैं ट्वेंटी सेवन बाई एट अभी देखें अब हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे हम डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देंगे सॉरी मैं यहाँ पर जब हमारा साइन चेंज होगा तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी तो एट हमारा नॉमिनेटर बन जाएगा एंड ट्वेंटी सेवन हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा अब हमने क्या करना है यहाँ पर देखिए क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ट्वेंटी सेवन हमारे कहा नंबर है फोर हमारा ईवन नंबर है एट भी हमारा क्या ई वन नंबर है इस तरीके से हमारी कटिंग नहीं हो सकती हम क्या करेंगे कि फोर को एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर को एट के साथ मल्टीप्लाई करें तो फोर एट जर हमारे पास आ गया थर्टी टू बाई ट्वेंटी सेवन ये हमारे पास आ गया हम लोगों ने क्या फाइंड करना था रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल रिसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा रिसी का मतलब क्या होता है कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है तो उसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं यहाँ पर देखें ट्वेंटी सेवन हमारा डिनोमिनेटर था तो ये हमारा नॉमिनेटर बन जाएगा एंड थर्टी टू हमारा जो नॉमिनेटर था वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये हमारा आंसर नेक्स्ट हमारे पास है टू बाय फाइव पावर इसकी क्या है थ्री है मल्टीप्लाई बाई फाइव बाई फोर इसकी पावर हमारे पास क्या है स्क्वेयर है हम क्या करेंगे पहले इनकी पावर्स को ओपन कर लेंगे तो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे पावर थ्री इट्स मीन टू को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू एंड फाइव का भी सेम फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पर देखिए स्क्वेयर है तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव एंड फोर मल्टीप्लाई बाय फोर

हमारे पास वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इट्स मीन हमारे पास क्या बचे मल्टीप्लाई बाई वन इज वन फाइव मल्टीप्लाई बाई टू इज टेन ठीक है हमारे पास क्या आ चुके है वन बाई टेन वन बाई टेन का हम लोगों ने क्या लेने रेसी रेसिप्रोकल का लेंगे, तो नॉमिनेटर डी नोम एंड डी नॉमिनेटर नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा टेन एंड इट इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग विद द नेगेटिव फाइंड द फॉलोइंग विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से मुराद मैं बता चुकी हूँ एक्सपोनेंट मीन पावर तो हमने क्या करनी है हमारे पास जो ये नंबर गिवन है इनकी पावर जो पॉजिटिव में हमने इसकी पावर को किस में कन्वर्ट करना है नेगेटिव में कन्वर्ट करना है चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से फर्स्ट हमारे पास है थ्री बाई फोर पावर टू है नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करने का आप लोगों को पता है जिस तरह हमें पॉज नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नॉमिनेटर एंड डी नॉमिनेटर की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता है नेगेटिव uh, से पॉजिटिव तो सेम पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सेम हम क्या करेंगे नॉमिनेटर एंड डी नॉमिनेटर की पोजिशन को चेंज करेंगे फोर बाय थ्री कर लेंगे थ्री बाय फोर को फोर बाय थ्री कर लेंगे एंड पावर हमारी क्या हो जाएगी माइनस टू नेक्स्ट हमारे पास है नंबर टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू तो यहां पर देखें पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू माइनस सिक्स तो ये देखें आंसर आ चुका है नेक्स्ट हमारे पास है फाइव की पावर टू मल्टीप्लाई बाय फाइव यहाँ पर इसकी पावर क्या है हमारे पास थ्री है तो यहां पर बेस हम सेम ले लेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी टू प्लस थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा पावर क्या आ चुकी है फाइव हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जो नॉमिनेटर एंड डी की पोजीशन को चेंज करते हैं ना हम क्या करेंगे जब डी में कुछ नहीं है तो वन है इट्स मीन जब हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फाइव एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी जो कि पॉजिटिव फाइव है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव फाइव नेक्स्ट हमारे पास फोर पार्ट है फोर पार्ट में भी हमारा सेम हम लोगों ने क्या करना है पावर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है टू बाय फाइव माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस है ना तो क्या हो जाएगा प्लस टू अभी हमने क्या करना है हमें नेगेटिव में चाहिए तो हम क्या करेंगे नंबर्स को चेंज कर देंगे माइनस अब यहाँ पर देखिए फाइव बाई टू हो जाएगा एंड जो पावर जो पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी एंड ये इसका आंसर है इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर टेन कम्प्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर इलेवन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स हमने ब्लैंक्स को फिल करना है यहाँ पर देखिए फाइव पावर टेन डिवाइडेड बाय एट सॉरी फाइव पावर एट इज इक्वल टू वन बाई फाइव एंड पावर जो है हमसे पूछिए उसकी पावर क्या होगी तो देखें जैसे कि हमें पता है कि जब हमारे बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं डिवीज़न का साइन होता है तो हम पावर क्या करते हैं सेपरेट करते हैं यहाँ पर देखिए हम फाइव टेन माइनस एट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पावर हमारे पास टू आ जाएगी ठीक है अगर हम इसका फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास ही हो जाएगा वन बाई फाइव एंड पावर इसकी क्या हो जाएगी माइनस टू हम अपनी ब्लैंक्स में क्या राइट करेंगे हम अपनी ब्लैंक में राइट करेंगे माइनस टू ठीक है इट्स मीन कि वन बाय फाइव की जो पावर है ना यहाँ पर हमसे पावर पूछी है तो यहाँ पर पावर हम क्या राइट करेंगे माइनस टू नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास है माइनस थ्री बाई फोर पावर क्या फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस सॉरी माइनस टू बाई थ्री पावर फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू बाई थ्री पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू हमसे अगेन फिर पावर ही पूछी गई है कि पावर क्या होगी तो हम क्या कर लेते हैं जब बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं पावर्स को एंड बेस सेम होती है और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हमारी पावर्स ऐड होती हैं फोर प्लस यहाँ पर देखे माइनस थ्री है हमारे पास तो हम राइट करेंगे माइनस टू बाई थ्री फोर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस थ्री होगा तो आ जाएगी पावर हमारे पास वन एंड यहाँ पर देखें इन्होंने प्रोकल किया हुआ है तो इट्स मीन कि हमारी पावर जो पॉजिटिव वन थी वो क्या हो जाएगी माइनस थ्री बाई टू तो पावर माइनस वन आ जाएगी इस मीन हम अपनी ब्रैकेट में क्या राइट करेंगे माइनस वन के अभी इसकी पावर क्या हो चुकी है माइनस वन नेक्स्ट हमारे पास है माइनस फाइव पावर इसकी क्या है फोर डिवाइडेड बाई माइनस फाइव पावर इसकी क्या है टू यहाँ पर कहा गया फाइव इसकी पावर है कि पूछी गई हम लोगों ने राइट करनी है यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे माइनस फाइव है बेस हमारी सेम है डिवीजन का साइन है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी सप्रैक्ट हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव फोर में से टू को माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू ठीक है अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुका है टू यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जब हमारे पास पावर क्या होती है इवन नंबर में होती है तो हमारा आंसर क्या आता है पॉजिटिव में आता आ जाता है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फाइव एंड पावर क्या राइट कर देंगे टू ठीक है तो हमारी पावर यहाँ पर क्या आ चुकी है पावर हमारी आ चुकी है टू इसके साथ क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारा कंप्लीट हो चुका है उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें हाफिन